नमस्ते दोस्तों दोस्तों मैं सुमन वशिष्ठ फिर से आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। दोस्तों मैंने अपनी इस वीडियो में प्याज टमाटर की सब्जी कैसे बनाएं यह बताया है, तो चलिए देखते हैं। नमस्ते दोस्तों, दोस्तों आज हम प्याज टमाटर की सब्जी बना रहे हैं। दोस्तों ये सब्जी मैं तब बनाती हूँ जब कोई दूसरी सब्जी मेरे घर में होती नहीं है, तो लेकिन ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है दोस्तों। तो प्याज टमाटर की सब्जी बनाने के लिए मैंने प्याज के छिलके हटा लिए हैं और ऊपर की जो गांठ होती है उसे भी निकाल दिया है और दो टमाटर लिए हैं। तो दोस्तों अब इनके हम मोटे मोटे टुकड़े कर लेंगे। ये देखिए प्याज के भी ऐसे चार टुकड़े कर लेंगे, चार या पांच टुकड़े ऐसे कर लें। तो दोस्तों प्याज हमने सारी ऐसे काट ली है और इन टमाटर के भी टुकड़े कर लेंगे। टमाटर और प्याज को काट लेने के बाद दोस्तों अब हम इस सब्जी को गैस पर बना लेते हैं। दोस्तों प्याज टमाटर की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम तेल डालेंगे। तो हमने 1 टेबलस्पून तेल डाला है प्याज टमाटर की सब्जी बनाने के लिए। तो ये तेल गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें प्याज और टमाटर को फ्राई करेंगे बारी बारी। तो दोस्तों पहले तेल गर्म हो जाए, मैंने सरसों का तेल डाला है, आप कोई भी तेल डाल सकते हैं जो भी खाते हैं। तो तेल गर्म हो गया है दोस्तों, अब हम प्याज डाल देंगे जो मोटे टुकड़ों में काटा है। इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, बस थोड़ा सा क्रंची करना है दोस्तों, 2 मिनट हमने। तो दोस्तों तो टमाटर भी डाल दिए, जैसे ही प्याज क्रंची हो गया इन्हें भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों टमाटर भी अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं 2 मिनट में। बस इनका जो छिलका है वो नहीं हटना चाहिए, लेकिन ये सारा नरम हो गया है। 2 मिनट ही हमने इसे भूना है। और दोस्तों अब क्या करेंगे, हम इसे निकाल लेंगे, थोड़ा सा हम इसमें छोड़ेंगे। 2-2 मिनट भूना है बस तेल में, हमने फ्राई किया है इसे। और ये देखिए ये इतना हमने निकाल लिया है और इतना हमने मसाले के लिए छोड़ा है। इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे दोस्तों, ये बस इतना हमने छोड़ा है। तो इसकी ग्रेवी बना लेंगे। और इसकी ग्रेवी बनाने से पहले दोस्तों हमने ये जो हरी मिर्च ली है, एक हरी मिर्ची है, थोड़ा सा लहसुन की 2 कलियाँ हैं और अदरक का छोटा सा टुकड़ा लिया है, इसे भी डाल देंगे, इसे भी भून लेंगे। इसी के साथ थोड़ी देर भून लेते हैं और जीरा भी डाल देते हैं दोस्तों, थोड़ा सा जीरा, सबका ही टेस्ट आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमने अच्छी तरह से भून लिया है, अब क्या करेंगे इसे निकाल लेंगे। गैस को स्लो कर रखा है मैंने और बस इसे पीसना है ठंडा करके। ये देखिए इसे ठंडा हो जाने के बाद पीस लेंगे जार में डाल करके। दोस्तों ये प्याज टमाटर हरी मिर्च अदरक और लहसुन ये ठंडा हो गया है और अब हम इसे जार में डाल करके पीस लेते हैं। ये देखिए दोस्तों ये हमने पीस लिया है प्याज टमाटर, जब जैसे ही ठंडा हो गया तो हमने इसे पीस लिया है। इसमें हरी मिर्च लहसुन और अदरक सारे डले हुए हैं। तो अब हम सब्जी में डालेंगे इसे दोबारा से तड़का लगाते समय। तो दोस्तों हम तड़का लगा लेते हैं प्याज टमाटर की सब्जी में। ये देखिए पीस लेने के बाद हम इसमें डालेंगे। अब दोस्तों इस मसाले को हम भून लेंगे और भूनेंगे इतना कि ये तेल छोड़ दे अलग। दोस्तों देखिए मसाले ने तेल छोड़ दिया है, तेल अलग दिखने लगा है। तो अब मसाला भून चुका है, अब हम क्या करेंगे इसमें ये टमाटर डाल देंगे, टमाटर और प्याज जो फ्राई किया था। और इसमें दोस्तों थोड़ा सा मसाला डाल देंगे, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक के बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर और दोस्तों लाल मिर्च, हरी मिर्च भी डाली है तो थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, सूखा पिसा हुआ धनिया। ये सब मसाले डाल देने के बाद दोस्तों इन्हें भून लेंगे। और दोस्तों ये भून गए हैं तो अब हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जितनी ग्रेवी चाहिए उतना पानी डाल दें
और इसे 2 मिनट ढक कर पकाएंगे। दोस्तों सब्जी को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं और गैस को मैंने फुल कर रखा है। देखते हैं, ये देखिए सब्जी में रंग भी बहुत अच्छा आया है और दोस्तों बनकर तैयार हो गई है 2 मिनट बाद। जितनी हमें ग्रेवी चाहिए थी उतनी ही है। तो प्याज टमाटर की सब्जी बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी बनती है दोस्तों। जब कोई सब्जी ना हो तो आप इसे इस तरह से बना कर देखें। दोस्तों दूसरे बर्तन में हम इसे कर लेते हैं, गैस को कर देंगे बंद। तो दोस्तों दूसरे बर्तन में प्याज टमाटर की सब्जी को कर लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी और सब्जी बनी है प्याज टमाटर की। तो दोस्तों बहुत ही जल्दी बन जाती है और टेस्टी बनती है। दोस्तों वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।